नमस्ते, फिर से स्वागत है आपका। मैं आपका फ्रेंड अमरदीप नीकी एंड स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीकी ब्लॉग्स में। और इस बार आए हम उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आए हम एक काफ़ी सुंदर से गांव तिमली। और आज मेरी सिस्टर की शादी है और ये वीडियो भी कुछ खास होने वाली है। और इस वीडियो में भी आपको मैं, जैसे आपने मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार दिया, वैसी सेम वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आप देखेंगे हमारे पहाड़ी कल्चर्स, कैसे यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे यहाँ पूजा होती है, और कैसे कैसे यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं जो हम यहाँ पे करते हैं। और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखिए आप मेरे साथ इस खूबसूरत से गाँव। और मिलवाता हूँ मैं आपको काफ़ी लोगों से यहाँ पर, उनके विचार और उनकी बातें और एक्सपीरियंस इस गाँव में। और साथ साथ मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ कैसे शादी होती है, तो आज दी, और कैसे कैसे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, क्या कल्चर है हमारे उत्तराखंड के, क्या संस्कृति है। काफ़ी आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए और देखिए मेरे साथ इस ब्लॉग को। तो एक अच्छे से सनराइज़ के बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा फ्रेशन अप हुआ जाए, क्योंकि अब थोड़ी देर में हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है। ये नानी जी है मेरी, और इन्होंने मुझे बचपन में देखा था और आज हम काफ़ी सालों बाद मिले। नानी जी कह रही है कि हम बचपन में बहुत छोटे छोटे थे जब उन्होंने हमें देखा था, और आज नानी जी हमें देख के काफ़ी खुश हुई। नानी जी 85 साल की हैं और अभी भी बहुत फिट है, और मैं काफ़ी देर यहाँ बैठ के उनसे बातें करता रहा। क्या डालते हैं मिर्च में? ये हल्दी, सुपारी और चावला एक रुपए है बानों के लिए। अच्छा, बाने कंकड़ बनते हैं ना। हाँ हाँ,
और ये यहाँ पर दिन के खाने की तैयारी हो रही है। और ये लोग कोई पहाड़ से नहीं आए हैं, पहाड़ों में ये कल्चर है कि जब भी कोई शादी होती है तो गांव वाले ही मिलकर खाना बनाया करते हैं। पहाड़ों में अभी भी शादियों में या फंक्शन में अभी भी यही कल्चर है कि लोग नीचे बैठकर ही खाना खाया करते हैं। हल्दी खत्म होने के बाद हम निकल गए गांव घूमने। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तिमली गांव। आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो आप बताइए तिमली के बारे में। अब मतलब लास्ट, इसलिए इसके बाद कोई था ही नहीं, इसलिए इसका नाम तिमली पड़ा। अच्छा। मतलब लास्ट कौन पड़ गया था इसके नाम, इसलिए तिमली डाल दिया। ये पी मतलब लास्ट, लास्ट वो है इसीलिए इसको तिमली बोलते हैं। मतलब ये हमारे गांव ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हम भी बिरू खाल से हैं, उस पटरी उसका लास्ट विलेज है तिमली, इसलिए इस गांव का नाम तिमली पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने वो 120 परिवार का गांव है, पर मौजूदा स्थिति में यहाँ 40 परिवार भी नहीं है। अच्छा, और ये बेदी बनाई गई है, यहीं पर कल शादी की सारी रस्में होंगी, फेरे यहीं पे किए जाते हैं। तो शादी से पहले एक छोटी सी पूजा होती है जो कि अभी की जाएगी। हल्दी खत्म होने के बाद शाम को एक फंक्शन होता है जिसे कि शादी से एक दिन पहले करते हैं, जिसे कि न्यूतेर कहा जाता है। और इस फंक्शन में पूरा गांव शामिल होता है और यहां जो खाना बनता है वो भी पूरा गांव मिलकर बनाता है। भैया क्या बना रहे हो? ये बन रहा है मसाला, इसमें बनेगा पनीर, पनीर है, चिकन, चिकन बनेगा, चिकन के लिए मसाला बन रहा है। रंग ही दूसरा हो जाएगा।